हेलो गाइस, शिवलो वे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नीचे बटन होगा, उसको दबा दीजिए। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा कि मैंने मिलिट्री बारबेल प्रेस या फिर शोल्डर का जो आप बारबेल के साथ प्रेस करते हैं उसको मैंने डिच क्यों कर दिया और उसके बदले में मैंने कौन सी एक्सरसाइज इंकॉर्पोरेट की है जो उससे बेटर है। तो देखिए, जो मेरी बारबेल मिलिट्री प्रेस होती है उस चीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया आर्नोल्ड प्रेसेस से, और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप बारबेल मिलिट्री प्रेस करते हैं तो वो मेजॉरिटी आपका रोल फ्रंट डेल्ट का है। अब आप देखिए, फ्रंट डेल्ट अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक लेजी या फिर एक काउच पोटैटो हैं, तो भी आपका फ्रंट डेल्ट डेवलप्ड है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ फ्रंट डेल्ट से करेंगे। आप किसी को कोई चीज़ पकड़ा रहे हैं तो आपका फ्रंट डेल्ट, आप कुछ उठा रहे हैं सामने से, फ्रंट डेल्ट है। अगेन, जब भी आप कोई चीज़ ऊपर रख रहे हैं, फ्रंट डेल्ट मेजॉरिटी यूज़ होता है। तो देखिए, आपका फ्रंट डेल्ट कहीं ना कहीं डेवलप होता ही है, और अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपका चेस्ट के दिन, जब अपर चेस्ट करते हैं उस दिन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिट होता ही है फ्रंट डेल्ट। तो अगर आप शोल्डर के दिन बारबेल मिलिट्री प्रेस करेंगे, वो मेजॉरिटी जो उसका रोल है वो फ्रंट डेल्ट के लिए है, तो आपका फ्रंट डेल्ट ओवरली डेवलप हो जाएगा जितना कि रियर या फिर साइड डेल्ट हो गया। तो अगर आप इसके बदले में आर्नोल्ड प्रेसेस को इंकॉर्पोरेट करेंगे, तो आर्नोल्ड प्रेसेस आप देखेंगे यहाँ पे आप साइड में पहले हाथ ले जाते हैं ऐसे, तो इसके वजह से क्या होता है आपका साइड डेल्ट और रियर, क्योंकि कुछ भी आप पीछे ले जाएंगे तो रियर है, और साइड में कुछ ले जा रहे हैं तो आपका साइड डेल्ट है। फिर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके तीनों हेड्स शोल्डर के एक साथ हिट हो रहे हैं, जो कि होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी रोल अगर आपका फ्रंट डेल्ट का रहेगा तो ओवरली डेवलप हो जाएगा, जो ज़्यादातर लोगों का होता है। और राउंडेड शोल्डर ये सब इसीलिए होता है, रियर डेल्ट लैग भी करता है इसीलिए लोगों का, कि फ्रंट डेल्ट ज़्यादा डेवलप होता है, वो ज़्यादातर लोड वही ले लेता है। तो आर्नोल्ड प्रेसेस प्रॉपर तरीके से तीनों हेड्स को इक्वली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, तीनों हेड्स को हिट करता है और आपके फ्रंट डेल्ट को भी मेजॉरिटी रोल में रखता है, बट आपके दोनों हेड्स आपके बारबेल मिलिट्री प्रेस में उतना हिट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को डिच किया है आपका आर्नोल्ड प्रेसेस के फेवर में। सेकेंड गाइस, क्यों मैंने आर्नोल्ड प्रेसेस फेवर किया है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका, जब भी आप डंबल से कोई भी वर्कआउट करेंगे तो उसका रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है। बारबेल से आप ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकते कि बारबेल आपका जाके एक पॉइंट पे रुक जाता है, बट जबकि आप डंबल को ले जाके ईजिली अपने जो आपके ईयर्स हैं, आप जितना क्लोज ले जाएंगे अपने आर्म को ऊपर जाके, तो उतना वो आपका शोल्डर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप बारबेल में ट्राई करें, बारबेल में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारबेल का रेंज लिमिटेड है, रॉड की वजह से आपका एल्बोज क्लोज नहीं आ सकते हैं, पर जब आप शोल्डर डंबल से करेंगे तो आपके एल्बोज क्लोज आ सकते हैं, आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो ज़्यादा मसल फाइबर आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो इसकी वजह से आपका फिर आर्नोल्ड प्रेसेस आपको बेनिफिट देगा। थर्ड गाइज ये था कि जो मेरा राइट शोल्डर था वार्म अप नहीं करता था, जब एज अ बिगनर था तो मैं वार्म अप नहीं करता था, इसकी वजह से दिक्कत क्या आई कि राइट शोल्डर ऑटोमेटिकली मसल इम्बैलेंस की वजह से इमोबाइल हो गया या फिर फ्रीज हो जाता था, और जब भी मैं चेस्ट का कोई भी सेट करता था तो अपने आप यहाँ पे एक इम्पिंजमेंट सा फील होता था। तो बाद में जब मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि क्यों हो रहा, तो पता चला कि मेरा राइट शोल्डर इमोबाइल है और इसमें मोबिलिटी पे ध्यान देना है। तो बारबेल प्रेसेस जो है वो क्या है, एक तो मसल इम्बैलेंसेस की वजह से दिक्कत है कि आपका राइट ज़्यादा उठाएगा, जो अगर आपकी मोबिलिटी इश्यूज हैं तो वो फिक्स्ड रेंज ऑफ मोशन है बेसिकली, तो आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। पर जो डंबल है उसमें आप इजीली चेंज कर सकते हैं, आपके जॉइंट्स पे इजी है, क्योंकि अगर आपके किसी रेंज ऑफ मोशन, मतलब कोई जो पाथ है आपका वेट उठाने का, उसमें कोई दिक्कत है तो आप डंबल में चेंज कर सकते हैं, पर बारबेल में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और रीज़न था कि मैंने क्यों आर्नोल्ड प्रेसेस फेवर किए हैं मिलिट्री प्रेसेस के ऊपर। तो गाइस, ये तीन रीजन से कि मैंने आर्नोल्ड प्रेसेस क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया है मिलिट्री प्रेसेस के बदले में, तो आप अपने रीजंस के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है, बट मेरे ये तीन रीजंस से। तो गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और लोगों को रिकमेंड करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।